दोस्तों भारत के सदर्न हिस्से में स्थित कर्नाटक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस में देश का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट स्टेट है। कर्नाटक को भारत का आईटी हब भी कहा जाता है। बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में भी ये लीडिंग स्टेट है। आज की इस वीडियो में हम कर्नाटक की इकोनॉमी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए दोस्तों अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कर्नाटक भारत का पाँचवा सबसे ज़्यादा जीडीपी वाला राज्य है, जिसकी जीडीपी 244 बिलियन डॉलर है और ग्रोथ रेट 9% है। वहीं जीडीपी पर कैपिटा इनकम 2800 डॉलर है। जीडीपी बाई सेक्टर की बात करें तो कर्नाटक की जीडीपी में सबसे ज़्यादा 66% का कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है। इंडस्ट्रियल सेक्टर की हिस्सेदारी 19% है, जबकि एग्रीकल्चर सेक्टर की 15% हिस्सेदारी है कर्नाटक की जीडीपी में। अकॉर्डिंग टू डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, अक्टूबर 2019 से दिसंबर 2021 के बीच कर्नाटक का एफडीआई इनफ्लो 29.21 बिलियन डॉलर था, जो कि महाराष्ट्र के बाद सबसे ज़्यादा था। कर्नाटक की मेन इंडस्ट्रीज में ऑटोमोबाइल, एग्रो, एरोस्पेस, टेक्सटाइल एंड गारमेंट, बायोटेक और हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज शामिल हैं। यहाँ पर आईटी, बायोटेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेसिंग और एरोस्पेस के लिए सेज यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन है। करंटली कर्नाटक में 34 सेज ऑपरेशनल हैं। कर्नाटक में इंडिया की कुछ बड़ी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज हैं, जिनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरीज, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड और हिंदुस्तान मशीन टूल्स शामिल हैं। इंडिया की कई साइंस और टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर भी यही हैं, जिनमें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट और द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट शामिल हैं। कर्नाटक भारत का आईटी हब जबकि दुनिया का फोर्थ लार्जेस्ट टेक्नोलॉजी क्लस्टर है। बेंगलोर और मैसूर में ज़्यादातर आईटी इंडस्ट्रीज हैं। बेंगलोर आईटी इंडस्ट्री का गढ़ है, जिसकी वजह से शहर को भारत का आईटी कैपिटल और सिलिकॉन वैली भी कहते हैं। फिस्कल ईयर 2020 में कर्नाटक ने इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से करीब 81 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था। विप्रो और इन्फोसिस भारत की ये दो बड़ी आईटी कंपनी बेंगलोर में ही स्थित हैं। आज करीब 4000 प्लस स्टार्टअप्स कर्नाटक में ही बेस्ड हैं। नीति आयोग की इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक नंबर एक पर है। वहीं कैपिटल सिटी बेंगलोर नंबर ऑफ स्टार्टअप्स के मामले में दुनिया में तीसरे नंबर पर है। बायोटेक्नोलॉजी में भी कर्नाटक वन ऑफ द लीडिंग स्टेट है। भारत की 60% से ज़्यादा बायोटेक्नोलॉजी कंपनी कर्नाटक में ही है। अकेले कर्नाटक से इस सेक्टर में भारत का करीब 50% रेवेन्यू जनरेट होता है। कर्नाटक का इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी डेवलप्ड है। यहाँ टोटल 20 पोर्ट्स हैं। मैंगलोर पोर्ट और करवार पोर्ट ये दो सबसे बड़े पोर्ट हैं। कई नेशनल और स्टेट हाईवे हैं जो कर्नाटक को पड़ोसी राज्यों से और शहरों को आपस में जोड़ते हैं। रेल नेटवर्क भी काफ़ी बेहतर है। वहीं दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी हैं इस राज्य में, बेंगलोर का कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मंगलोर का मंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। साथ ही 6 डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी हैं कर्नाटक में। तो दोस्तों ये था आईटी हब ऑफ इंडिया कर्नाटक की इकोनॉमी का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज पाने के लिए हमारे चैनल एबन इंडियंस को भी सब्सक्राइब करें। अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।